श्री राम का विवाह जनकपुरी में हुआ। विवाह करने के बाद में माँ सीता की जो डोली और पालकी आया, वो डोली और पालकी इसी पवित्र भूमि पर आया। डोली और पालकी आने के बाद में मुंह दिखाई होता है। आपके घर में शादी होती है, बहू का मुंह दिखाई होता है, आज भी है, पहले भी होता था। कौशल्या माता ने सीता जी का मुंह देखा तो गले का हार दिया, सुमित्रा माता ने मुंह देखा तो चूड़ामणि दिया, और कैकेयी माता ने मुंह देखा तो सोने का महल कनक पहन दिया। दशरथ जी ने कहा बेटी मैं क्या दूं? सीता जी ने कहा पिताजी कुछ ऐसा दीजिए जिससे हर युग में मेरा नाम चलता हो। पवित्र भूमि से दशरथ जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, आज से कोई राम राम नहीं कहेगा, पद लेता हूँ पहले सीता और पीछे तभी से सीता राम सीता राम चला। काशी से अन्नपूर्णा माता आई, सीता माता के परिवार का भोजन बनाया। आज भी सीता रसोई से 1000 साधु, 500 विद्यार्थी, 200 लोगों को भोजन चलता। टेलीविजन में पेपर में जो घरों में देखा, अयोध्या के कौन से ऐसे गुरुजी हैं जो हिंदुओं के ऊपर कलंक लगा बाबरी मस्जिद 15 लाख हिंदू के द्वारा 4.5 घंटे में तोड़ा। 20 साल हो गया वो गुरुजी भोजन नहीं लेते हैं। 8000 मंदिर के मालिक बाबा रामदास महाराज, सीता रसोई से 1000 साधु गरीब का भोजन नहीं चलाते। आज आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे स्वामी का दर्शन करने चल रहे हैं। हल्ला शोर नहीं, शांति का परिचय। दर्शन देखिए, जिनको दर्शन नहीं मिल रहा वो अंदर आएंगे तो मिलेगा, हड़बड़ मत करिएगा। ऊपर की 3 मूर्ति राम लक्ष्मण जानकी जो यही की मूर्ति है, और उसके बाद में जो 2 मूर्ति है सोने के सीता चांदी के राम, 1528 में बाबर बादशाह ने मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाया, ये 2 मूर्ति को जमीन में लगाया। वही ये 2 मूर्ति है जो 92 में तोड़ने के बाद लाई गई है, 2500 साल पहले की है। सभी लोग नमस्कार करेंगे, अंदर से आएंगे, माला प्रसाद चढ़ाएंगे और गुरु जी के पास शांति से दर्शन करेंगे। बोलो जय श्री राम।